वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्टडीज भी कर रहे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इसको आपको इंट्रोडक्शन कम्प्लीट ही कराया था, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी हमने जो चैप्टर्स आपको कम्प्लीट कराए हुए हैं उसकी सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको उस टॉपिक्स में कोई भी डिस्कस करना है तो आप पूरी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। अब बेटा हम बात करेंगे मैट्रिक्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट नंबर हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज का लिखा हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू हमारा कोई मैट्रिक्स है, कोई बी इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, यानी बताना है ए बी की वैल्यू क्या होगी और बी ए की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा हमें ये चीज़ कंडीशन आपको कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारी ए बी की वैल्यू होगी नॉट इज इक्वल टू होगी किसके, बी ए की, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में हमने इस चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। तो आपको कम्प्लीटली आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। तो अब हम ए बी की वैल्यू बेटा निकाल लेंगे। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे एंड ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम बी मैट्रिक्स में करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी बेटा निकल के आ जाएगा। तो हम ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2, 5, 1 and 3, ठीक है, ए मैट्रिक्स लिखा एंड इसी के बगल में हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 - 1 and - 3 and 2, ठीक है। इतनी चीज़ कन्फर्म हो गई। हमने क्या बताया, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर से मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखो तो हमारा ये क्या है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11 है, तो A11 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A11 से, यानी हमारा आएगा क्या यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई हमारा होगा 1 के साथ, ठीक है। अब मेरा प्लस होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे प्लस होगा। अब हमारा जो A12 है यानी हमारा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी क्या होगा, 5 - 3, कन्फर्म है। इसी तरह हमारा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई हमारा 1 के साथ होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यानी 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा, कन्फर्म है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यानी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 2 - 1 एंड प्लस इसी तरह 5 का मल्टीप्लाई हमारा किसके साथ होगा बेटा, 5 - 2 होगा, ठीक है। इसमें फिर क्या होगा, फिर से हमारा वैसे ही होगा जैसे अभी हमने इस वाले कॉलम में किया हुआ था, 1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, प्लस का आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा यानी 3 - 2, कन्फर्म है बेटा। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, यानी आएगा क्या फाइनली आंसर, हम ए बी की वैल्यू अगर पूछें, ए बी इक्वल टू जो आएगा वो हमारा ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे आएगा मेरा 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई -3 से करें, 5 का मल्टीप्लाई -3 से करें तो कितना होगा, -15 होगा और -15 होगा और प्लस का 2 है तो हमारा क्या होगा बेटा, -13, क्या होगा बेटा, -13। इसी तरह 2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो क्या आएगा बेटा हमारा, -2 एंड 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो कितना आएगा मेरा, +8 आएगा, कितना आएगा बेटा, +8 आएगा, क्योंकि मेरा जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या है, 8 है, कन्फर्म है। इसी तरह इसमें हमारा क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा कितना आएगा, -9, अब -9 एंड 1 क्या हो जाएगा मेरा, -8, ठीक है। इसी तरह -1 का प्लस होगा किसमें, 6 में, यानी आएगा हमारा +5, ठीक है। यानी आई होप ए बी की वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हमारी कैसे निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे किसकी, बी ए की वैल्यू को। तो बी ए की वैल्यू हमारी क्या आएगी, कभी भी हमारी इस कंडीशन यानी ए एंड बी हमें दिए हुए हैं कोई दो मैट्रिक्स, उनका हम अगर आपस में ए एंड बी निकालेंगे तो अलग आएगा और बी और ए निकालेंगे तो बी अलग आएगा, यानी हमारे डिफरेंट आएंगे, यानी ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होंगी। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि मैंने ऐसे लिख दिया है तो यानी ए बी की वैल्यू जो होगी वो हमारी बी ए की वैल्यू होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में हमने कंडीशन बताई हुई है बेटा।
इसी तरह बी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी वन माइनस का वन एंड माइनस का थ्री एंड टू, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारा क्या है ए मैट्रिक्स, यानी टू फाइव वन एंड थ्री, यानी हमारी ये किसकी वैल्यू आ गई, बी ए की वैल्यू आ गई। कन्फर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई हो। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में मेरा क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा बेटा, हमारा क्या बनेगा मैट्रिक्स का पहले मैंने स्टैंड बनाया, फिर हमने क्या किया टू को मल्टीप्लाई वन के साथ किया, तो टू आया, इस वन वन इस माइनस वन का मल्टीप्लाई इस वन से किया तो बेटा हमारा कितना आया माइनस का वन, क्लियर। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा मेरा कितना प्लस का फाइव, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस का थ्री, कन्फर्म है। इसी तरह माइनस थ्री का मल्टीप्लाई प्लस टू से करेंगे तो बेटा हमारा कितना आएगा माइनस का सिक्स आएगा, इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस का हमारा कितना आएगा बेटा टू आएगा। इस माइनस थ्री का मल्टीप्लाई फाइव के साथ करें, इस माइनस थ्री का मल्टीप्लाई फाइव के साथ करेंगे तो कितना आएगा माइनस का फिफ्टीन, एंड इस मल्टीप्लाई को इससे ज़्यादा करेंगे प्लस का सिक्स आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह बेटा हमारा क्या होगा, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा प्लस का वन, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारा कितना टू आएगा, ठीक है। इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा हमारा फोर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा माइनस का नाइन, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। क्या बताया बेटा, हमने बताया कि ए बी एंड बी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, पहले हमने क्या किया ए बी की वैल्यू निकाली, तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, ए बी का हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स बनेगा वो हमारी क्या होगी ए बी की वैल्यू होगी, क्लियर है। इसी तरह बी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन का अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी बी ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमेशा रखना कि ए बी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा बी ए के, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि ए बी की वैल्यू हमारी नॉन इज इक्वल टू होगी बी ए की। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकेंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा लिखा है, क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, लास्ट क्वेश्चन जो था मेरा ऑर्डर क्या था सेम था, यानी मैट्रिक्स के जो हमारे ऑर्डर थे वो हमारे सेम थे, बट अब जो हमने क्वेश्चन लिखा है उसके ऑर्डर हमारे डिफरेंट है, यानी ए का ऑर्डर अलग है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग है, और हमें वैल्यू बतानी है ए बी एंड बी ए की वैल्यू क्या होगी। तो आइए बताएंगे, पहले हम ए वेक्टर में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके ऑर्डर क्या होंगे, यानी वन टू एंड थ्री एंड थ्री फोर एंड फाइव, ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपसे पूछें बेटा आप बताएंगे, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में हमने आपको अच्छे से समझाया होगा। हमारा ऑर्डर होगा टू कॉस थ्री, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ऑर्डर हम कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो उनको हम पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको हम बाद में लिखते हैं। नंबर ऑफ रो कितनी है बेटा, हमारी ये वाली क्या है सारी रो है, और ये हमारे जो खड़े हुए हैं वो क्या है पैर, क्या है कॉलम्स है, ठीक है कंफर्म है। इसी तरह हमारा जो बी है उसको क्या होंगे हमारे ऑर्डर, टू थ्री वन फाइव फोर थ्री एंड टू वन वन, ठीक है। इसके अगर हम ऑर्डर पूछे तो बताओ बेटा थ्री कॉस थ्री एंड टू, ठीक है। अब हम ए बी की वैल्यू पूछें, इसकी वैल्यू पूछें ए बी की, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए वेक्टर को लिखेंगे, ए वेक्टर मैट्रिक्स को लिखेंगे एंड थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे क्या टू थ्री एंड वन फाइव फोर एंड थ्री टू वन वन, यानी ये हमारा क्या हो गया, हमने दो मैट्रिक्स लिख लिया आपस में, अभी ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आइए करते हैं, इसका फर्स्ट रो का हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आएगा वन मल्टीप्लाई हमारा वन का मल्टीप्लाई टू के साथ होगा, प्लस टू का मल्टीप्लाई हमारा किसके साथ होगा फाइव के साथ, इस थ्री का मल्टीप्लाई इस टू के साथ होगा किसके साथ होगा इस टू के साथ, यानी थ्री मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यानी क्या होगा थ्री मल्टीप्लाई टू, कितना होगा थ्री मल्टीप्लाई टू फोर मल्टीप्लाई फाइव एंड इसी तरह फाइव मल्टीप्लाई टू, कन्फर्म है। इसका मल्टीप्लाई फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, यानी वन का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे
बी के साथ करेंगे प्लस टू का मल्टीप्लाई फोर के साथ एंड थ्री का मल्टीप्लाई वन के साथ, ठीक है। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी थ्री का मल्टीप्लाई थ्री के साथ प्लस का फोर का मल्टीप्लाई फोर के साथ प्लस का फाइव का मल्टीप्लाई फाइव वन के साथ, ठीक है। ठीक है, कन्फर्म है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो होगा थर्ड कॉलम से करेंगे यानी वन का मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे प्लस टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ करेंगे प्लस थ्री का मल्टीप्लाई वन के साथ, कन्फर्म है। इस थ्री का मल्टीप्लाई इस वन के साथ करेंगे थ्री मल्टीप्लाई वन, फोर का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे थ्री के साथ एंड फोर का मल्टीप्लाई थ्री के साथ करेंगे फाइव का मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी हम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आइएगा टू फाइव टू जै टेन थ्री टू जै सिक्स एंड थ्री टू जै सिक्स प्लस कट फाइव फोर जै ट्वेंटी एंड फाइव फाइव टू जै टेन, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा हमारा थ्री प्लस का थ्री फोर टू जै एट प्लस का थ्री एंड थ्री थ्री जै नाइन प्लस का फोर फोर जै सिक्सटीन प्लस का फाइव। इसी तरह यहाँ पे होगा हमारा वन मल्टी प्लस का होगा सिक्स प्लस का होगा थ्री, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा थ्री प्लस का आएगा फोर थ्री जै ट्वेल्व प्लस का फाइव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन वैल्यू को वापस से प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा एटीन। इसको जो हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा कितना इलेवन, को इलेवन के बाद यहाँ पे आएगा फोर्टीन। इसको हम जब प्लस करेंगे तो आएगा हमारा सेवन सेवन थ्री टेन, ठीक है। इसको जब हम प्लस करेंगे आएगा हमारा थर्टी सिक्स एंड इसको जब हम आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना ट्वेंटी फाइव एंड ये हो जाएगा थर्टी। इसको जब हम आपस में प्लस करेंगे फिफ्टीन ट्वेंटी, यानी कुछ ऐसा हमारा आंसर आएगा ए बी की वैल्यू। अब बेटा हमें निकालनी किसकी वैल्यू, बी ए की वैल्यू निकालनी है। अब बी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारा कितना है बेटा टू थ्री वन फाइव फोर थ्री एंड टू मल्टीप्लाई टू वन, ठीक है। अब जो हमारा बी ए मैट्रिक्स है वो क्या है वन टू थ्री थ्री फोर फाइव, ये हमारा क्या है कोई बी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स सॉरी। तो इसका ऑर्डर हमारा थ्री क्रॉस थ्री का था, इसका ऑर्डर टू क्रॉस थ्री का था। तो बेटा ऑर्डर जब हमारे इस टाइप के हों तो हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका ऑर्डर करेंगे तो फर्स्ट रो में कितने हैं कॉलम्स थ्री हैं, इसमें हमारे कितने हैं दो, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे ए बी बी ए नॉट फाइंड नॉट फाइंड, ठीक है। बी ए जो होगा वो हमारा क्या होगा नॉट फाइंड होगा और ए बी नॉट इज इक्वल टू होगा हमारे किसके बी ए के होगा। ये चीज़ कन्फर्म रखना कि कभी भी अगर हम ए बी निकालें और बी ए निकालें तो इक्वल हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं। अगला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी बात है ए कोई मैट्रिक्स है कोई बी मैट्रिक्स है कोई हमारा सी मैट्रिक्स है और हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ए बी प्लस का ए सी, यानी हमें बताना है कि ए को अगर हम बी प्लस सी के मैट्रिक्स को क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए ए बी प्लस का ए सी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये हमें क्या करना है बेटा प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा दोनों वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना होगा। आइए करते हैं, अगर हम बी प्लस सी पूछे इसकी वैल्यू पूछे बेटा बी प्लस सी की वैल्यू पूछे तो बी प्लस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, हमारा बी प्लस सी वैल्यू निकालने का मेथड क्या होगा टू जीरो वन वन, ठीक है। यहाँ बी की वैल्यू होगी प्लस सी की वैल्यू मान कर लो माइनस वन टू एंड थ्री एंड वन। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैं फिर भी बता देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। आइए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा हमारा माइनस है टू, क्योंकि इसका हम जब आपस में प्लस करना है सॉरी ना तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे टू माइनस का वन, इसी तरह जीरो माइनस प्लस का वन टू, ठीक है। इसका इसके साथ करेंगे कितना है वन का प्लस का थ्री एंड वन का प्लस का वन, ठीक है। यानी हमारा क्या आ गया वन एंड टू एंड फोर एंड टू, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी बी प्लस सी। अब वैल्यू निकालनी हमें निकालनी है ए बी प्लस सी की, तो ए का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। ए की क्या वैल्यू है हमारी वन जीरो
वन वन, ठीक है, एंड बी की वैल्यू क्या है, वन टू एंड फोर थ्री, फोर टू है सॉरी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ऑर्डर हमारे यहाँ पे सेम है, जब ऑर्डर सेम होगा तो हमारे मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का वन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा प्लस का जीरो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस का वन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस का फोर, इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस का टू, एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस जीरो। इसी तरह यहाँ पे होगा हमारा टू मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना है टू आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा कितना प्लस का टू, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि कहीं कहीं क्या हो जाता है कि हमें क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है कॉलम से, हम क्या कर देते हैं रो में कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो तो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस में लाइए, यानी क्या होगा फाइव एंड आएगा यहाँ पे फोर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया, यानी वैल्यू किसकी आ गई हमारी ए बी प्लस सी। अब हमने वैल्यू किसकी निकाली, ए बी की निकाली और ए सी निकाली, अगर ए बी और ए सी की वैल्यू को दोनों को सम करें अगर हमारे इतना आ गया तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू होगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ए एंड बी वेक्टर मैट्रिक्स का यूज करेंगे, टू जीरो एंड वन वन, ठीक है। इसी तरह हमारा सॉरी बी की वैल्यू निकालना कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं रेस कर लेता हूँ, मेरे को बी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। यानी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी वन जीरो वन वन, ठीक है, एंड इसी तरह बी की वैल्यू जो आएगी टू जीरो वन वन, ठीक है। ये हमारे किसकी आगे वैल्यू बेटा, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन का मल्टीप्लाई टू के साथ होगा कितना आएगा टू आएगा, इसका मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगा जीरो आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा टू आएगा एंड वन का मल्टीप्लाई वन आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा जीरो एंड इसका मल्टीप्लाई जीरो, इसका मल्टीप्लाई हमारे इसके साथ होगा जीरो तो इसका आएगा वन, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा टू एंड जीरो एंड यहाँ पे आएगा थ्री एंड वन, ठीक है। ये हमारी आ गई किसकी वैल्यू, हमारी वैल्यू जो आ गई वो ए बी की आ गई। इसी तरह हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे वन जीरो एंड वन वन, ठीक है। एंड बी सी की वैल्यू क्या लिखी, माइनस का वन टू एंड थ्री एंड वन। समझ में आ रहा होगा तो मैं फर्स्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है, सेम मैट्रिक्स हैं उनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, वन का मल्टीप्लाई माइनस वन से हुआ, जीरो का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा जीरो, इसी तरह यहाँ पर माइनस का वन प्लस का आएगा थ्री, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा टू एंड प्लस का जीरो, इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा टू एंड प्लस का वन, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का वन एंड ये आएगा मेरा प्लस का टू, यहाँ पे आएगा हमारा टू एंड यहाँ पे आएगा हमारा थ्री। ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारा ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी ए सी की। अब हमें निकालना क्या था, ए बी प्लस का ए सी निकालना था, तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी टू जीरो थ्री वन, एंड इसी तरह ए सी की वैल्यू हमारी आई है माइनस का वन टू थ्री, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ए सी की आ गई। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा मेरा माइनस का आएगा मेरा टू माइनस का वन एंड इसी तरह इसका होगा थ्री प्लस का टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे टू प्लस का जीरो एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे थ्री प्लस का वन, ठीक है। यानी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू के थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ, हो सकता है कैमरे में वैल्यू ना आ रही हो, फिर भी मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, वन एंड टू एंड इसको जब हम करेंगे फाइव एंड आएगा फोर। यानी हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, सेम आ रही है बेटा। हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस का ए सी हेंस ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और ये एग्जाम में आया। फोर नंबर बेटा क्वेश्चन लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स दिया है हमारा वन टू 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 वन टू 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 वन, ठीक है, और हमें वैल्यू बतानी है कि ए स्क्वायर माइनस का फोर ए माइनस का फाइव आई इज
इक्वल टू क्या होगा जीरो के, ये हमें प्रूव्ड करना है। क्या करना बेटा? प्रूव्ड करना है। तो हमें पहले आई का मीन समझना है, आई का मीन समझना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि आई का मीन्स क्या होता है, फिर से मैं एक बार इस वीडियो में बता देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। आई का मीन्स होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कैसे हम लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? अगर हमारा ऑर्डर हमारा दिया गया है कितना, 3x3 का दिया गया है, तो हम क्या करेंगे जो हमारे डायगोनल्स होंगे उनको हम लिखेंगे 1, बाकी वाले एलिमेंट को हम लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। तो ये हमारा क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम वैल्यू पूछें तो जो ऑर्डर हमें दिया होगा 2x2 का दिया होगा तो हम लिखेंगे, 3x3 का दिया होगा तो हम लिखेंगे। यानी जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो 1 के इक्वल होंगे, यानी वो हमारे यूनिट यानी इकाई सदिश होंगे। ठीक है, यानी हम इसके हिंदी में बोलते हैं इकाई आव्यूह। ठीक है, और हमें लाना क्या है, प्रूव करना है 0 के, यानी हमें 0 मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे 4a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा निकल के अगर प्लस माइनस करने में क्या आ जाता है 0, तो हम लिख देंगे लास्ट में कि hence true, अगर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे this is not true। ठीक है, अब बेटा हम a स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालें, a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए a का मान कितना है, a के साथ करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म है। अब बेटा हम क्या करेंगे, a को 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी 1 2 3 2 1 sorry यहाँ पे 2 होगा and 2 2 and 1। ठीक है, ये हमने वैल्यू को लिख लिया a की, फिर से a की वैल्यू लिखी है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों को सम माइनस प्लस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कितना हुआ बेटा 2 हुआ, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मेरा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे बन गया बेटा 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ बेटा 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस का 2 प्लस का आएगा 4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हमारा आएगा 2, एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4, एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, इसमें एक बार ऐड कर देता हूं, 1 का मल्टीप्लाई किया 2 आया, एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 आया, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 आया, कंफर्म। अब बेटा फिर से हम इसका सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा हमारा 2 आएगा, प्लस का 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा हमारा कितना आएगा बेटा 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आया 4, कंफर्म। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यानी 4 एंड 1 एंड 4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यानी 4 प्लस का आएगा हमारा कितना 2 एंड प्लस का आएगा हमारा 2। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे थर्ड कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो थर्ड कॉलम में हमारी क्या कंडीशन होगी, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे हमारा आएगा 2 एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी 4 एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। इसी तरह इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 2 2 एंड 2 का 4 ये आया एंड ये आया 2 प्लस का आया 2। इस मल्टीप्लाई को 2 के साथ करेंगे 2 आया प्लस का आया सॉरी 4 मल्टीप्लाई प्लस का 4 प्लस का आया 1। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें, आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा सा टेस्ट मैच इसलिए होता है काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन होता है और अच्छे खासे नंबर बेटा इस चैप्टर से मिलते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट मजबूत हो और एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन ड्रॉप मत करें, स्किप मत करें। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 9 आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारा कितना 8, एंड इसको जब करेंगे 9, एंड इसको जब करेंगे कितना आएगा बेटा 4 2 8। ठीक है,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एट आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एट आएगा, और इसको जो करेंगे तो नाइन आएगा। कुछ इस तरह हमारा ये कंडीशन बन गया, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है फोर ए की वैल्यू, तो फोर ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर ए का मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स में, यानी आएगा वन टू टू एंड टू वन टू 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 टू, सॉरी यहाँ पे आएगा वन। अब मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा बेटा, फोर एट 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 फोर एंड एट फोर एट 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 फोर, ठीक है। ये हमारी किसकी आ गई वैल्यू, फोर ए की आ गई, कन्फर्म है। अब बेटा हम फाइव आई की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे फाइव आई की, तो फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बताया था क्या होता है, जिसका डायगोनल हमारा क्या हो वन, यानी वन वन वन, एंड बाकी वाले एलिमेंट हमारे क्या हो जीरो के इक्वल में, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, फाइव जीरो 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 फाइव जीरो 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 फाइव, ठीक है। अब हम इन सभी चीजों की वैल्यूओं को सॉल्व करेंगे, अगर हमारा इक्वल टू जीरो आएगा तो है आओ क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाली, तो नाइन एट एट नाइन एट नाइन, यानी ये कुछ हमारी इस तरह वैल्यू को आ गई, ठीक है। अब वैल्यू हम निकालेंगे इसकी फोर ए की, तो कितनी है फोर ए की वैल्यू बेटा हमारी, फोर एट एट एंड एट फोर एट 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 फोर, एंड माइनस का आएगा फाइव की वैल्यू जाएगी फाइव जीरो 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 फाइव जीरो 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 फाइव, ठीक है। अब बेटा हम इन दोनों वैल्यूओं को तीनों वैल्यूओं को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा जीरो के इक्वल में आ जाएगा। बेटा यहाँ की जगह नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट मुझको पता है कि ये हमारा इक्वल टू जीरो प्रूव होगा। हम क्या करेंगे नॉर्मली, जैसे हम अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, दो मैट्रिक्सों को आपस में प्लस किया था, उसी तरह यहाँ पर हम उसी को माइनस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको चैनल में अब अच्छे से क्लासेस मिल रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करिए और चैनल को शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।